फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है जिसमें लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। अभिनेत्री स्मिता पड्डा भी इस फेस्टिवल में शामिल हुई जो छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं। इस फेस्टिवल में मूसू फीचर फिल्म को दिखाया जाएगा। आपको बता दें कि इस फिल्म को काफी सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। राजधानी रायपुर के सांस्कृतिक विभाग में फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए श्वेता पड्डा मौजूद है जो मूसो जैसी फिल्म में लीड एक्टर का किरदार निभा रही है। तो हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, मूसो फिल्म फीचर फिल्म है, इसमें क्या खास बात है? मूसो फीचर फिल्म है और इसमें यह खास बात है कि ये अमेरिकन नॉवल है एक ऑफ माइस एंड मेन, जिसके ऑथर हैं जॉन स्टाइनबर्ग, जिनको नोबेल अवार्ड मिला हुआ है। ये उनकी नॉवेल का अडेप्टेशन है और खास बात इसलिए है कि हमने इस पर खून पसीना लगा के इस फिल्म को बनाया है। और ये दो दोस्तों की कहानी है, कितनी खूबसूरती से वो अपनी जिंदगी को जीते हैं, उनके जो सपने हैं और उनके साथ जो है, जिसमें मेरा भी एक कैरेक्टर है, जिसमें मैं कैरेक्टर कर रही हूँ। आपने मूसो के अलावा एक और फीचर फिल्म के बारे में बताया है, कृपया उसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल बता दीजिए। हाँ, मेरी एक फिल्म आ रही है लव आजकल 2, जो 14 फरवरी को रिलीज हो रही है। उसमें मैं कार्तिक आर्यन के साथ मैंने काम किया है। ये जो अवार्ड है वो किस लिए मिला है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। मूसो जो हमारी फिल्म है, इसे काफी अवार्ड मिले हैं। मैं रिसेंट से पीछे लेके जाती हूँ आपको। अभी रिसेंटली मूसो को राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म, बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर यशपाल जी को, और मुझे क्रिटिक्स चॉइस बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है। इसके अलावा बेस्ट फॉरेन फीचर फिल्म लंदन में मिला है, लॉस एंजलिस में इसे अवार्ड मिले हैं। एंड हमने इंडिया प्रीमियर जो है इसका कोलकाता में किया था नवंबर में, और ये इंडियन लैंग्वेजेस कैटेगरी में टॉप 15 में थी। ये थी हमारी श्वेता पड्डा से खास बात। कैमरामैन रविंद्र के साथ सुप्रिया पांडे, स्वराज एक्सप्रेस।